वाह, आ गया ना मुंह में पानी। ये डिश है ही इतनी यमी। ये तवा पनीर चीज और ब्रेड का कॉम्बिनेशन आपको जरूर पसंद आएगा। इवनिंग स्नैक्स या झटपट डिनर के लिए ये परफेक्ट रेसिपी है। चलिए बनाते हैं तवा पनीर चीज बर्स सैंडविच। तो चलिए सबसे पहले एक पैन लेते हैं, उसे हीट करने लग देते हैं। जैसे ही मेरा पैन हीट हो जाएगा, मैंने इसमें डाला है 2 टेबलस्पून बटर। बटर मेल्ट होने पे हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच जीरा। फिर डालेंगे इसमें फाइनली चॉप्ड प्याज, ये करीबन 2 छोटे प्याज लिए हैं मैंने। अब इन प्याज को हमें अच्छे से ब्राउन होने तक इसे रोस्ट करना है, भूनते रहना है। इसे 4 से 5 मिनट लगेंगे। देखिए, अब मैं कंटिन्यूसली भून रही थी इस प्याज को एंड अब ये हुआ है अच्छा ब्राउन कलर। इसमें डालूंगी मैं 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। इसे भी 5 से 10 सेकेंड हम भून लेते हैं। फिर डालेंगे हमारे मसाले, जो है 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 2 टीस्पून धना जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून पाव भाजी मसाला। अब इन सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स करते हैं और इसे पकने देते हैं 40 से 50 सेकेंड, ताकि हमारे ये जो मसाले हैं वो अच्छे से पक जाए। और फिर हम डालेंगे टमेटो प्यूरी। ये करीबन मैंने 3 छोटे साइज टमेटोज की प्यूरी बनाई है और डाली है। अब चलिए इस टमेटो प्यूरी को भी हमें अच्छे से पकने देना है। इसे तब तक पकाना है जब तक इसका मॉइस्चर कंटेंट निकल ना जाए और तेल छूटने ना लगे। देखिए अब ये मसाला कैसा गाढ़ा हो गया है, तेल छूटने लगा है। अब हम डालेंगे इसमें नमक और फिर डालेंगे 1 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेश क्रीम डालने से हमारे जो मसाले हैं उसका टेस्ट बैलेंस हो जाएगा। अब डालेंगे हमारा पनीर और पनीर को अच्छे से इस ग्रेवी में मिक्स कर लेते हैं, ताकि पनीर अच्छे से इस मसालों के साथ कोट हो जाए। और उसे करीबन 1 मिनट पकाते हैं, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए हमारा जो टॉपिंग है तवा पनीर का, तवा पनीर मसाला बिल्कुल रेडी है। चले अब हम बनाते हैं हमारा स्पेशल चीज़ मिक्सचर, जिसके लिए मैंने लिया है दूध। ये 6 टेबलस्पून दूध है और एकदम गरम दूध लिया है। आप इसे बिल्कुल बॉईल कर लीजिए और फिर इसे लीजिए। इसमें हम डालेंगे 2 क्यूब ग्रेटेड चीज़ और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि चीज़ और मिल्क दोनों अच्छे से मिक्स होके एक कंसिस्टेंट लिक्विड बने। याद रखिए, इसे अच्छे से मिक्स करना और ये प्रपोर्शन को मेंटेन करना ज़रूरी है, अगर आपको वो सही चीज़ बर्स्ट वाली फीलिंग आपकी सैंडविच में चाहिए। वरना वो चीज़ सेट हो जाएगी और आप सैंडविच को कट करेंगे तब वो फ्लो नहीं होगा बाहर। तो इसे अच्छे से मेंटेन कीजिए कंसिस्टेंसी। और देखिए रेडी हो गया हमारा ये चीज़ी मिक्सचर। इसे अब मैं साइड में रख देती हूँ और लेती हूँ 2 ब्रेड के पीसेस। इसमें से 1 ब्रेड है जो मैंने पूरा लिया है और दूसरे के चारों साइड के एजेस काट लिए हैं। अब जिस ब्रेड के एजेस काटे हैं उसे हम अच्छे से बेल लेंगे। सब तरफ से बेल के इसे फ्लैटन कर लेंगे। फिर हम लेंगे हमारा पहला वाला ब्रेड, इस पे डालेंगे हमने जो अभी चीज़ का मिक्सचर बनाया है वो। याद रखिए, आपको ये मिक्सचर ज़्यादा सेंटर में डालना है और साइड में नहीं डालना है। आप जितना सेंटर में अच्छे से मिक्सचर ज़्यादा से ज़्यादा डाल पाओगे वो डाल लीजिए। मैंने अराउंड 1.5 टेबलस्पून डाला था बेस्ड ऑन द साइज़ ऑफ माई ब्रेड। और अब मैं लूँगी ये दूसरा ब्रेड और इसे फर्मली ऊपर रख के चारों तरफ से सील कर दूँगी हमारा जो चीज़ मिक्सचर है उसे। अच्छे से सील करूँगी। बीच में आपको ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, वरना वो मिक्सचर बाहर आ जाएगा। अब इस पे हम डालेंगे हमारा तवा पनीर का मसाला। अच्छे से इवनली इस पे स्प्रेड कर दीजिए। फिर हम डालेंगे इस पे छोटे कटे हुए कैप्सिकम। आप कोई भी कलर के कैप्सिकम यूज़ कर सकते हो, मैंने इसे स्क्वायर पीसेस में काटा है। और अब इस पे डालेंगे हम ग्रेटेड चीज़। आपको जितनी मर्ज़ी है उतना आप डालिए, मैंने थोड़ा कम ही रखा है क्योंकि अंदर भी चीज़ है और हमें तवा पनीर का भी फ्लेवर अच्छा चाहिए, तो मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं डाला है।
अब हम एक तवा लेते हैं, उसे हीट करते हैं, उसके ऊपर थोड़ा बटर, घी, ऑयल, आपकी जो मर्जी हो वो डाल के थोड़ा सा स्प्रेड कर दीजिए। फिर इस पे डालेंगे हमारा अभी बनाया हुआ ब्रेड और इसे हम ढक देंगे। अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक हमारी ऊपर की चीज़ मेल्ट नहीं हो जाती। पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि नीचे से आपका ब्रेड जल ना जाए, वरना चीज़ मेल्ट करने के चक्कर में हमारा ब्रेड नीचे से जल जाएगा। तो आपको दोनों अच्छे से बैलेंस करना है। और देखिए अब हमारा ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो चुका है, ब्रेड भी नीचे से क्रिस्प हो गया है और ये हमारा तवा पनीर सैंडविच बिल्कुल रेडी है। चीज़ी चटपटा पनीर से भरा हुआ सुपर यमी हमारी पनीर चीज़ बर्स्ट सैंडविच बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी बनती है दोस्तों, आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइए कैसे लगी ये डिश। और मेरा टेस्टी स्पून्स चैनल विच इज़ प्रेजेंट ऑन यूट्यूब एंड फेसबुक, दोनों पे सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। थैंक्स अ लॉट, हैव अ टेस्टी डे विद टेस्टी स्पून्स। बाय।